आपको एक कहावत तो बखूबी मालूम होगी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, और अब ये कहावत चीन पर बकायदा फिट बैठ रही है, क्योंकि एक तरफ चीन LAC पर मिसाइलें तैनात कर रहा है तो दूसरी तरफ वो उल्टा भारत को ज्ञान दे रहा है। अब चीन कौन सा ज्ञान दे रहा है और क्यों दे रहा है, हम आपको इस पूरी वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं भारत तक। दरअसल हाल ही में ICWA यानी भारतीय वैश्विक कार्य परिषद और CPFA यानी चाइनीज पीपुल्स इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन अफेयर्स के बीच डिजिटल बैठक हुई। इस बैठक में मौजूद चीन में भारत के राजदूत विक्रम मिश्री ने कहा कि अगर चीन भारत के साथ संबंधों में प्रगति चाहता है तो उसे सीमावर्ती क्षेत्र में अमन चैन बनाकर रखना होगा। इसके साथ ही भारत ने कहा कि चीन को हमेशा चिंताओं, संवेदनशीलताओं और प्राथमिकताओं का सम्मान करना होगा, जिसके बाद चीन थमथमा गया। उसने अब भारत को उल्टे नसीहत दे दी है कि वो सीमा के मुद्दे को सही स्थिति में बनाए रखे, वो LAC पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। वांग ने कहा कि सीमा विवाद को लेकर चीन का स्पष्ट रुख है, हम सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने को प्रतिबद्ध हैं। यानी कि एक तरफ मेज पर बैठकर वो शांति की बात कर रहा है, भारत को ज्ञान दे रहा है, तो दूसरी तरफ वो उल्टा सीमा पर साजिशें कर रहा है। हालांकि चीन की ये पुरानी आदत है, ऐसा कई बार हुआ है जब चीन ने ऐसे बयान दिए हैं। जब जब भारत चीन को लेकर अपना कड़ा रुख अपनाता है तो चीन की हालत खराब हो जाती है, और यही वजह है कि वो शांति की बात करने लगता है। चलिए अब आपको बता दें भारत के राजदूत ने मीटिंग में चीन को क्या कुछ बोला जो चीन शांति का राग अलाप रहा है। इस बैठक के दौरान मिश्री ने द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति के लिए सीमा पर अमन चैन बहाल करने की और आपसी सम्मान की जरूरतें बताई। राजदूत मिश्री ने इस बात पर जोर दिया कि सीमावर्ती क्षेत्र में अमन चैन बनाकर रखना द्विपक्षीय संबंधों के विकास के लिए जरूरी आधार है। खैर, पूर्वी लद्दाख की बात करें तो वहां चीन को भारत की तरफ से कड़ी टक्कर मिल चुकी है। इस क्षेत्र में भारत ने चीन की दादागिरी को चकनाचूर कर दिया है और चीन को भी एहसास करा दिया है कि अगर उसने भारतीय सेना से भिड़ने की कोशिश की तो उसे अंजाम भुगतना पड़ेगा। चीन को भारत की ओर से कई बार ये चेतावनी दी जा चुकी है और ये स्पष्ट किया जा चुका है कि भारत अपनी क्षेत्रीय अखंडता के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं होने देगा और न ही इस मसले पर किसी तरह का समझौता करेगा, क्योंकि इस मसले पर भारतीय सेनाएं मजबूत हैं। चीन ने अब भारत के साथ कोई भी चालाकी की तो ये कहना गलत नहीं होगा कि वो खुद शेर के मुँह में हाथ डालने वाली हरकत कर रहा है।